दोस्तों आज हम बात करेंगे आंखों की एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक को कभी ना कभी लाइफ में होती है और उसके लिए वो आई कंसल्ट ज़रूर लेता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ोन कंसल्ट्स मुझे जिस प्रॉब्लम के लिए आते हैं वो है स्टाई यानी कि गुहारी या गुहारनी हम यहाँ पे बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ कि आपकी आँख की पलक के ऊपर कोई बम्प या कोई पिम्पल, तो उसको हम बोलते हैं स्टाई। अब आंखों की पलक के ऊपर बहुत तरह के पिंपल या बम्प्स बन सकते हैं, पर उनमें से स्टाई या गुहारनी कौन सी होती है? तो उसका एक बड़ा सिंपल एक तरीका है जो मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर कोई लाल या थोड़ा गर्म रहने वाला आपकी आंखों के पलक के ऊपर कोई बम्प बन रहा है और जो दर्द भी करता है और जिसको अगर आप टच करेंगे या हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाने से वो और दर्द बढ़ता है, जिसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। अगर कोई रेड टेंडर मास आपकी आईलिड के ऊपर है, दैट इज अ टिपिकल साइन ऑफ स्टाई या गुहारनी। अब ये गुहारनी होती क्यों है? ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो लंबे समय तक काम करते रहते हैं, आंखें थक जाती हैं, फिर वो आंखों को आराम देने के लिए जहाँ पे भी हाथ लगाए होते हैं वो आंखों को आराम देने के लिए आंखों को मसलते रहते हैं या आंखों में इरिटेशन होती है तो वो रब करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है कि जिस सरफेस पे इन्फेक्शन है उसको हम आपके आंखों के ऊपर ले जाते हैं और वो हमारे वहाँ पे बैठ के इसको गुहारनी में कन्वर्ट कर देती है। ये ज़्यादातर होती है नमी वाले मौसम में, जैसे रेनी सीजन, बारिशों का मौसम, दे आर हाई इन्फेक्शन सीजन। जैसे कि आपने देखा है कि बारिशों के मौसम में आपके मल्टीपल पस पॉइंट्स जगह जगह पे बन जाते हैं, इसी तरह ये एक पस पॉइंट है जो आपकी आंख के पलक के हेयर फॉलिकल्स के बीच में बन जाता है, इसको हम स्टाई बोलते हैं। ये किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है? जिन लोगों का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स, वो पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, कैंसर पेशेंट्स, किसी को HIV है, किसी को शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी दवा या बीमारी या स्ट्रेस की वजह से वो कमज़ोर हो रखा है, तो उन लोगों में जो हमारे नॉर्मल आंख की पलक के ऑर्गेनिज्म जो हमें बचाते हैं वो ही उन पे इन्फेक्शन कर देते हैं। तो वीक डिफेंस सिस्टम, आंखों को बार बार टच करना और मौसम में नमी का बढ़ना यानी रेनी सीजन, ये तीन मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्टाई होते हैं। तो दोस्तों अगर ये गुहारनी आपको हो जाए, आपने इसका समझ लिया कि आपको गुहारनी है, तो इसका इलाज क्या है? इसके इलाज सिंपल हैं पर कई बार वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। इसको ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर नेचुरली हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कई बार ये ठीक हो जाती है, पर वो बढ़ने की वजह से आपको देखने में बुरा लगता है और पेन आपको तंग करती है। तो छोटे छोटे चीज़ों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 1, आंख को बार बार हाथ नहीं लगाएं, उसको दबाने की कोशिश ना करें। सिंपल एक सूती कपड़े, कॉटन के क्लॉथ को अपनी प्रेस से आयन से गर्म करके उसको 10 से 15 मिनट के लिए ठीक ठाक सा गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। उससे आप अपनी स्टाई को दबाते रहें दिन में 3 से 4 बार। उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ने से, सिक्रीशंस पतली होने से और कंप्रेशन की वजह से वो जो आपका पॉइंट है वो खुल जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगी 3 या 4 दिन के अंदर। पर जो आपको दर्द हो रहा है, जो पेन है, जो उसके अंदर स्वेलिंग है, उसके लिए आपको कोई ना कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ओरल मेडिकेशंस, जो पेन किलर्स हम बोलते हैं, वो ओवर द काउंटर आप अपने केमिस्ट या आपके फार्मासिस्ट या आपके डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं दिन में 2 बार, तो उससे आपको आराम आ सकता है। अगर वो स्टाई बहुत बड़ी हो और उसमें काफ़ी पस इकट्ठी हो जाए तो उस केस में या तो उसको आपके आंखों के विशेषज्ञ ड्रेन कर सकते हैं ताकि उसका लोड कम हो जाए, जल्दी हील कर जाए, या फिर ओरल एंटीबायोटिक्स जिससे उसकी स्पीड ठीक होने की तेज़ हो सकती है क्योंकि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगी, जिसके लिए जो भी एंटीबायोटिक आपको सूट करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम अमॉक्सिक्लैब जैसे हम यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वो यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत ही कारगर नुस्खा जो मैंने अपने काफ़ी मरीजों में इस्तेमाल किया है, जो शायद हमने किताबों से नहीं सीखा बट वो काफ़ी कामयाब है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में ज़रूर बताना चाहूँगा।
आप जो टी बैग आते हैं, टी बैग्स, टी बैग को एक पानी, गर्म पानी के अंदर आप उसको भिगो लें, उसके बाद उसको आप निचोड़ लें, मतलब गीली पत्ती। सो टी बैग को गर्म पानी के अंदर डाल के फिर उसको निचोड़ लीजिए और रात को सोने के टाइम अपनी आंखें बंद करके उस टी बैग को उस टाई के ऊपर रख दें और उसके ऊपर एक बैंडेज लगा दें, मतलब एक पट्टी करके सारी रात के लिए उसको छोड़ दें। तो उससे वो जो वार्म कंप्रेसेस वाला काम भी हो गया और जो टी है उसका जो हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है, मतलब चूसने वाला जो उसका एक्शन है, उसकी वजह से जो अंदर की जो उसकी स्टाई की इन्फेक्शन है उसको वो हील कर देती है, विच इज़ नॉट अ एलोपैथिक वे, बट ये एक होम्योपैथिक या एक आयुर्वेदिक वे है, तो विच वर्क्स वेरी वेल। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट ने ये इस्तेमाल किया, जिससे वो सुबह उठते हैं तो ऑलमोस्ट 60-70% हील कर जाती है। तो कभी आपको ये दिक्कत हो तो आप घर पे इस छोटे से इलाज से भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। जब भी आपके स्टाई या इन्फेक्शन होती है तो दो एहतियात मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर एक कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो इसके दौरान, स्टाई के दौरान, आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और अपने आई मेकअप्स को ना यूज़ करें, बिकॉज उससे आपके इन्फेक्शन बढ़ सकती है। अगर आपकी कोई ऑपरेशन हुआ है, आंख की कोई सर्जरी हुई है, तो आपको तुरंत अपने विशेषज्ञ को मिलना है, घर पे कोई भी इलाज ट्राई नहीं करना है। बिकॉज अगर आपके पेरी ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के दौरान वाले पीरियड में आपको इन्फेक्शन हो रही है, तो आपको एंटीबायोटिक्स दे के इसको जल्दी ठीक करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आप ये घर पे रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपनी आई का हाइजीन, आई की सुरक्षा और उसकी सावधानियां रखेंगे तो ना सिर्फ ये गुहारनी या स्ट्राई से भी आप बच पाएंगे, पर आंखों की बहुत सारी बीमारियां उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और आपकी आंखें स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगी। यही हमारा एक एम है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।